हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे का दिन है और सुबह के फिलहाल लगभग 10 बज चुके हैं। अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि आज एक छोटे से ट्रैक पे चलेंगे। आज ट्रैक पे थोड़ा एक्साइटमेंट करेंगे, फ्रेश वगैरह होके चलेंगे। अभी नहाना धोना करके उन्हें भी फ़ोन कर दिया है, वो भी बस रेडी होने लगे, तो अभी साथ ही चलते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। लेट्स रोम अराउंड अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ देहरादून। कम, लेट्स गो। सो गाइस, नाना दोनों हो गया है, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, तो अभी दोस्तों का भी कॉल आ गया है, वो भी फ्रेश हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं एक स्वीट सी ट्रिप है और आपको दिखाते हैं एक स्वीट सी जगह। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं, लेट्स गो। 10-20 रुपये चेंज है क्या? क्या करना है? सेव वाले को देना है। सेब वाले का भी उधार है? उधार नहीं, अभी खाना है। खाना है खा के क्या क्या मतलब? ब्रेकफास्ट करके नहीं आया? ब्रेकफास्ट नहीं, वो सुना नहीं है। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अभी वहां चल रहे हैं होटल मधुबन में, बट डॉक्टर इज ऑलवेज विद यू, क्योंकि जैसे आपके कारनामे है ना, डॉक्टर हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। डॉक्टर मेरे से सलाह लेते हैं बिल्कुल, कौन सी बीमारी की कौन सी दवा। अरे नहीं, मधुबन में बोल दिया, वहां पे वो लंच जा रहे हैं, वहां लंच अमित शाह रखा है ना। बिल्कुल, आज उसी के साथ करेंगे लंच। उसी के साथ दावत है। सही है। यार ये रोड बहुत ज्यादा कच्ची है, पता नहीं क्या। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ आज हम जा रहे हैं, थोड़ा सा प्लान है कैंप करने का, ऑफ रोडिंग के लिए। मजा आ रहा है। इवनिंग कैंप पहली बार सुना होगा लोगों ने। इवनिंग कैंप? इवनिंग कैंप नहीं है, मिड इवनिंग कैंप। ये देख सड़क देख, बाहर बना रखी सड़क देख, बाबा कितनी खतरनाक। ड्राइवर भाई साहब, पगार मिल रही टाइम से, गाड़ी बढ़िया चलाओ एकदम स्मूथली, पानी का गिलास नहीं छलकना चाहिए, बढ़ा दी जाएगी सैलरी। पिछले महीने की ड्यू है, दे देना आज। कोई नहीं, वो गूगल पे आरटीजीएस करेगा, 4 घंटे बाद आ जाएगा। सही, आज लेके रहूंगा। यहाँ पे ये रिक्शा कैसे चलने लग गया है? काफी देर से चलने के बाद अब जाके यहाँ पे एक स्पॉट मिला जहाँ पे आराम से गाड़ी भी खड़ी होगी और हम भी यहाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेंगे। पहले जब आए थे यहाँ पे तो नक्शा कुछ और ही था, अब आए तो नक्शा बदल गया। वो बीच बीच में बरसात होती है तो उससे जो पानी का जो फ्लो है वो और ज़्यादा बहने लगता है, उस वजह से जो कुछ साइड के जो हमारे स्पॉट होते हैं जहाँ पे हम इंजॉयमेंट करते हैं वो भी साथ साथ बह जाते हैं। अब यहाँ का हाल ऐसा ही है। तो गाइस, अभी यहाँ पे गाड़ी जो है हमने यहाँ पे पार्क कर दी, सामान वामान लेके चलेंगे और अपना यही बनाएंगे, यही खाएंगे और यही ये लोग नहाएंगे। मैं तो पहले ही सुबह नहा के आ गया, अभी इन लोगों की बारी है। सभी सामान का अरेंजमेंट साथ में करके लाए, मन को मानना रहता है। अगर बाई चांस कभी मान लो कैंपिंग वैम्पिंग करनी हो या कहीं साइड रिवर में अगर हमें बैठना हो या बैठेंगे तो ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है आज की डेट में। क्या हुआ?
अरे यहाँ से मत कूदो यार, कोई स्लिप हो गया ना तो पैर वैर में चोट वोट लग जाएगी। चलो चलो फिर रिस्क नहीं लेते, आगे से चलो यार आगे से। ये उस टाइम के बाद ये सारे रास्ते भी जो है ये रास्ते भी सारे डैमेज हो गए। अरे भाई लोग यही लगा लो कहीं पे। हाँ यही यही, इतनी ज्यादा आगे मत जाओ। वैसे भी जितनी ज्यादा आगे जाओगे उतना ज्यादा रास्ता जो है जाएंगे तो नदी पार ही होगी। ना ना नदी पार नहीं करनी यार, हेडटेल करते हैं। अरे बढ़िया जगह है। हाँ ठीक है, अरे यहीं पे कर लो। ठीक है ठीक है, कोई नहीं ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। और वहाँ पे हमें कौन से कोई वैसे इलीगल काम थोड़ी है। मैं अग्री नहीं हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा। भाई मत जाओ, फिर वापसी जाओ। और वैसे भी तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया था, बर्तन लो और वापसी जाओगे। बर्तन लाओ, चलो निकलो, भागो यहाँ। जो साफ साफ निकलते हुए इधर साफ आया, साफ आया। अरे किधर जा रहे हो, ज्यादा आगे मत जाना यार। ये तो पानी भी बहुत ठंडा होगा, इसमें तो पैर डालने में बड़ा ठंडा लगेगा। थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह जो इकट्ठी है वो करनी पड़ेगी, लकड़ी इकट्ठी करके फिर थोड़ा जलाएंगे तभी कुछ बना पाएंगे। मैगी मैगी आज देसी कुकिंग करेंगे हम लोग, देसी चूल्हा बना के। अरे इधर आ जा भाई इधर। याद है पिछली बार जब चकराता गया था तो कैसे स्लिप हुआ था पत्थर से? कौन तू? मैं कब हुआ स्लिप? भूल गया? अच्छा जहाँ मेरा दिमाग निकल गया था, जहाँ तेरा दिमाग हिल गया था निकल नहीं गया था। तो गाइस व्यू देखो कितना सुंदर है, काफी अच्छा व्यू है। यहाँ से पूरा ओपन दिख जाता है, पूरा माल देवता का जो बिल्कुल ही कहना प्योरीफायर, जो प्योरीफायर एयर, प्योरीफायर टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल व्यू है, वो सारा दिखता है यहाँ से स्पॉट से। और इसी के साइड में यहाँ पे कैंपिंग करते हैं लोग अपना, कैंपिंग वगैरह भी। और अगर बाई चांस साइड मतलब रिवर के जो साइड में यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे मतलब अच्छा एक कैंपिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम भी कभी इसी एक्सपीरियंस के लिए पहले बहुत आते थे कॉलेज टाइम, पहले स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इतना आते थे, बहुत आते थे। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करनी है तो फ्रेंड सर्कल में, अब पता है सबको कि आज इधर है कल उधर है, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, तो उस चक्कर में काफ़ी आते थे। बट लेकिन ये भी एक मेमोरी रहेगी अभी, पहले वो मेमोरी इतनी पुरानी हो चुकी है। आज से लगभग 5-6 साल पहले आया था, तब ऐसी जगह पे ऐसे स्पॉट पे कैंपिंग की थी। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहा, क्या कह रहा? कुछ नहीं, मैं बोला लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ नहीं कह रहा, अभी तो कुछ कह तो रहा था। लड़कियाँ थोड़ी ना लकड़ियाँ। एक काम करे थे, यहाँ तो अरेंज करने में टाइम लगेगा, सामने चूल्हे लग रखे ऑलरेडी। कहाँ है वो? सामने है, चल चल। अच्छा ये, हाँ उन्हीं को यूज कर ले रहे। हाँ ठीक है, देख के आ रहा मैं। ऐसी एक गाड़ी हमें भी लेनी पड़ेगी जो ऐसे ट्रैकों पे बहुत आराम से सरवाइव कर जाती है। दोनों जने आते थे याद है, पहले बहुत आए, हम दोनों तो बहुत आए क्योंकि कॉलेज टाइम में हम दोनों साथ थे। ये तो बाद में मिला, मतलब है ये भी बचपन का ही, पर लेकिन ये बाद का है, मतलब मैटर थोड़ा सा पुराना हो। लंगोटिया नहीं है, लंगोटा हम लोगों ने साथ बांधी, उसने साथ नहीं बांधी। तो पहले काफी आया करते थे, हम भी थे, हमारे साथ वाले, पता नहीं कौन कहाँ गया हुआ, कोई अपना किसी कोने में सेटल हो गया, कोई किस कोने में सेटल। तो अभी फिलहाल जो लोकल में हम दोनों ही है, तो कभी कभार मिल जाते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो आज काफी दिन बाद यादें ताजा, और वो भी ऐसे लोकेशन पे। देखिए व्यू, देखिए गाइस, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। मेरा कहना है कि आप देहरादून आते हैं तो पता नहीं कौन सी आदत है इन्हीं, जो इतना यादें ताजा हो जाए, बहुत कमी नजर आएगी। है भाई कितनी शांति है। हेलो भैया, नेचुरल एनवायरनमेंट है भैया। हेलो, दिखावटी नहीं। ओ बेटा तुम्हारी ऐसी कौन सी याद है जो ताजा हो जा रही? भाई लकड़ी ढूंढ लो, चूल्हा जला लो। उस टाइम पे हमारी ऐसी यादें ताजा होती थी, उस टाइम पे हमें चूल्हा बनाने के लिए गड्ढा नहीं खोदना पड़ता था। तुम यहाँ गड्ढे के अंदर से आग निकालने की कोशिश कर रहे। अच्छा। वो पॉसिबल नहीं है भाई। तो अब वो जोश गया? जोश जोश नहीं, अब उम्र तुम्हारी भी हो चली, हमारी भी हो चली, क्या करें। उम्र होगी। प्लेट कितनी है? 3 है। जलेगी कैसे? ये देखो गाइस, देसी चूल्हा मेड बाय राजू, नीचे लिख दियो उससे लकड़ी से, मेड बाय राजू। कल के दिन छुपा रहेगा, पत्थर के पीछे भयगा भी नहीं। बड़ा सुंदर व्यू। कितने दिन बाद वो करना पड़ेगा? सब्जियां है इसमें, थोड़ी बहुत सब्जियां साफ करेंगे, उसके बाद सब्जियां काटने का टाइम आएगा क्योंकि कुछ हिस्सेदारी मेरी भी है। ये क्या है, क्या निकला, क्या निकला? टमाटर। अरे बाबा। और क्या निकला, क्या निकला? अरे यार ये तो प्याज है, प्याज। और चाकू, ये मसाले भी इसी में है। और ये दो सब्जियां ये है,
तो टमाटर तो धुले हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये तो घर से लिए थे। नहीं, बट टमाटर घर से लिए थे ना, धुले हुए। और ये जो सब्जियां हमने अभी रास्ते में ली है, अब ये सब्जियां धोते हैं। आओ पानी में चलते हैं। आगे चलेंगे पानी में। इसमें हाँ गाजर मिट्टी से पूरा ऑरेंज हो गया, देसी गाजर। ये गाजर नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जाम परोसने का, जब पहले पुराने जमाने में जाम नहीं परोसे जाते थे यार, यहाँ से जाम निकलता था। ये इस तरह की शेप का है। हाँ हाँ भाई, क्या है, पकड़ना जरा इसका। तो गाइस सब्जी देखो कितनी अच्छी तरीके से धो दी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया, नहीं तो मिट्टी मिट्टी लग के पता भी नहीं चल रहा था गाजर है क्या है। अब धो दी है, अब काटने का काम भी मेरे हिस्से का है। एक बार पूछ के देखता हूँ, दो मिनट रुको जरा ट्राई कर। अरे सब्जी काट ले भाई। हाँ सब्जी काट ले। एक काम, एक सेकंड रुक जा, अभी 4:33 हो रहा, 34:36 में काटने हैं। ऐसा इस तरह का वो टास्क नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो जल्दी काट लेना भाई, मुहूर्त आएगा क्या। चूल्हा जल गया है राजू भाई का, राजू भाई के चूल्हे ने आग पकड़ ली है। अब देखते हैं किस कैसी नियत से चूल्हा जलाया है, ताकि सब्जी गलेगी या नहीं गलेगी। नहीं गली तो तुम्हारी किस्मत। काफी देर बाद सब्जियां काट के रेडी कर दिया मैंने। अब इस अगर ये सब्जियां इस बंदे ने सही नहीं बनाई ना, तो अगला ये चाकू इस बंदे के ऊपर चलेगा और इसकी सब्जी कटेगी, पक्की बात है। आपको कुछ कहना भाई साहब इनके जवाब पे, कुछ आंसर। अगर अच्छा बन गया था, अच्छा बन गया तो भाई तुम्हें गिफ्ट मिलेगा अच्छा सा। अनिकेत भाई ने म्यूजिक चला दिया, हम डीजे भी साथ में लेके आए हैं। एक मिनी डीजे है, मिनी डीजे। अरे प्लेन को, अरे यार इसका नंबर नहीं मिल रहा, नेटवर्क बहुत दूर है, अब वो सुन ही नहीं पा रहा। वो वेट करेगा, कह दिया मैंने वेट के लिए, देखो सीधा ही चला गया, हमारी कोई नहीं सुनता, हमें कोई लेके नहीं जाएगा। वो कुछ बोल के या बैन बैन सुनाई दिया। कोई नहीं। अरे प्याज तो 2 लाया था मैं, देखना जरा थैले में 2 है क्या, इस वाले पन्नी में, इस वाले में, ये घर से आई थी पन्नी। हाँ धन्यवाद। 2 प्याज लाया था, एक के प्याज की भी कीमत है 5 रुपए की, एक प्याज है 5 रुपए की, एक प्याज 50 रुपए के है। क्या 50 रुपए प्याज का? किलो नहीं है, 2 है, मतलब 2-2 की सेपरेट बता। 50-50 इतनी महंगी प्याज तुम्हारे खेतों में मिलती होगी, हमारे यहाँ नहीं मिलती। फाइनली विनीत भाई की कटिंग ये नई मेहनत रंग लाई, भाई ने एकदम पूरा तिरंगा बना दिया है। बहुत देर बाद मेहनत की, काफी दिन बाद सब्जियां काटी, नहीं तो सब्जियां मैं काटता नहीं हूँ, यूजुअली सब्जियां कभी नहीं काटी मैंने, पर आज काट दी है। और यहाँ चावल बच चुके हैं हमारा, और ये दोबारे कढ़ाई रखी है, तो उसको बनने जा रहे हैं। ज्यादा मत झुकाइए, नहीं इधर कोई गिर जाएगा सारा, और यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है, ये ध्यान रखिए पहले ही। तो गाइस यहाँ पे राजू की कुकिंग स्टार्ट हो गई है, और हम काफी देर से एक्साइटमेंट में हैं, क्योंकि दोपहर से कुछ नहीं खाया इसके खाने के लिए, ये खाना बना के खिलाएगा। आज खाना गलत बना ना फिर देखा। तो हाँ बिल्कुल है, राजू का ढाबा ही तो है, राजू का ढाबा, और यहीं से शुरुआत, क्योंकि डेमो हम लेंगे तब पास करेंगे, नहीं तो जनता टमाटर ही मारेगी फेंक फेंक के। Thank you.
बाइक के लिए तो काफी बेटर ऑप्शन है ऑफ रोडिंग का। वैसे गाड़ी के लिए भी ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ मार नहीं खाती, बट लेकिन ये मिट्टी जो है वो काफी। ओ एक है भाई बाइक चलाता हुआ गिर गया, स्लिप हो गई है बाइक। अब मिट्टी काफी मिट्टी हो रही ना यार यहाँ पे, इन्होंने खुदाई की हुई यहाँ पे, मिट्टी मिट्टी फैली हुई, ये सारा डंप एरिया है यहाँ पे, सब मिट्टी मिट्टी इकट्ठी होती है। देखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है, अब देखते खाने में कैसा है। यार सोयाबीन भी ले आते, इससे तो बढ़िया थोड़ा बहुत। रेडी हो चुका है मामला अपना, पहले खुद खा के बताओ भाई क्या ये बक्सुदी क्या पता क्या मिला रखा है इसमें, खुद खा के बताओ। इधर दे भाई, सारा खा गया, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बोला था, सारा ही खा गया। वैसे राजू ने अभी अभी फ्राइड राइस लाया, इसलिए बाकायदा बताऊं तो मैं आपको, इतना टेस्टी बनाया, अनबिलीवेबल था। बट थोड़ा सा क्या है, जो मिट्टी वगैरह थी उसमें थोड़ी सी मिट्टी जो है वो डिसॉल्व हो गई, वो उड़ के पता नहीं कैसे हुई जैसे नहीं, बट लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया बनाया। इस चीज़ के लिए हम एक राउंड ऑफ अप्लॉज देंगे, बहुत बढ़िया बना रखा भाई, बहुत टेस्ट। समय लगा हमें, थोड़ी सी मेहनत लगी, राजू भाई ने बहुत मेहनत करी, हमारा सिर्फ इतना था इसमें योगदान था कि हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, चूल्हा राजू भाई ने बनाया, हमने आग जलाया और राजू भाई ने आज ऐसे चावल बना के खिलाए। ये बहुत मजा आ गया आज तो, तारीफ सुन सुन के बड़ा मजा आ गया आज तो। एक ढाबा यही खोलेंगे तेरे नाम से, टेंशन मत लो, उसका नाम रखेंगे राजू दा ढाबा, राजू भाई का ढाबा, राजू दा ढाबा, एक शॉर्ट वो हो जाएगा और बहुत बढ़िया होगा। ये देखो सैलेड भी अपने साथ खा रहे हैं, हमें तो सैलेड भी नहीं मिला, भाई को तो सैलेड भी मिल रहा था। सो गाइस अभी काफी देर हो गई है यहाँ पे, अभी लगभग शाम होने को, शाम भी ढलने वाली है, अभी शाम ढलने वाली है, और बस अभी हम जो है वो अपना सामान वगैरह जो है वो पैकअप करेंगे, पैकअप करके चलेंगे। वैसे तो प्रोग्राम नहाने का भी था, बट लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे पानी में नहा के बीमारी पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पानी जो है वो बिल्कुल फ्रेश आता है और बिल्कुल ठंडा आता है, टेम्परेचर से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अभी बस यहाँ से चल देंगे, बस अभी थोड़ा बहुत खाना पीना निमट जाए, तो खाने के बाद अपना सीधा चलेंगे गाड़ी से वापसी। यहाँ पे राजू को, राजू का खाना रिजेक्ट कर दिया उसने, बोला चिकन ही खाऊंगा। ये नॉन वेज खाने वाली पार्टी है, राजू का वेज पसंद नहीं आया। सो गाइस फाइनली रात हो चुकी है, अभी रात काफी हो गई है और अभी आ रहा है घर से, रात ज्यादा नहीं हो रहा है तब भी, यहाँ पे अंधेरा काफी हो गया है, ये जंगल का थोड़ा एरिया है इस वजह से अंधेरा ज्यादा हो गया है। तो अभी फिलहाल घर जाने का टाइम हो गया, घर वालों की भी कॉल आ रही है, तो अब फिलहाल घर की तरफ को गाड़ी मोड़ते हैं, वैसे भी जंगल से बाहर निकलना है, नहीं तो खतरा बहुत है, कोई भी कभी भी चिपट जाएगा, इन्हीं ने भी बचाना पड़ेगा सब। और जो भी आएगा ना इस एरिया में, यहाँ एयरटेल नहीं आता, नेटवर्क भी नहीं है, प्रीपेड आ रहा, बीच बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहे हैं, नेटवर्क जो है बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कोई कोई नेटवर्क है नहीं, तो ये भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल इंजॉयमेंट जितना करना था कर चुके, सारी चीजें देख चुके, आपको भी होप अच्छा लगा होगा। तो अभी गाड़ी मोड़ते हैं, सीधा घर की तरफ को चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो और भी एक्साइटमेंट वाली लेके आएंगे, जिससे कि आपको मजा आएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, सी यू सून, और फॉलो करते जाइए।